नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख के 4 सितंबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम हमारा जो जो विश्लेषण रहेगा वो किन किन खबरों पर रहेगा। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहले पेटीएम और रेजर पे और कैश फ्री के ठिकानों पर ईडी के छापे। और हमारा जो यहाँ सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो ईडी पर रहेगा कि उसकी कार्यप्रणाली क्या है और किस कानूनों के तहत वह जो छापेमारी करती है। फिर हमारी अगली खबर रहेगी कि एनजीटी ने क्यों लगाए पश्चिम बंगाल सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। और हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा किस पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर, कि किस तरह से काम करती है और किस अधिनियम के तहत इसे बनाया गया और इसके क्या अधिकार है व संरचनाएं क्या है। फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत व बांग्लादेश के संबंधों पर व नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है भारत की और किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो साझेदारी है उसको मजबूत कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कि इनके अंदर कौन से राज्य शामिल है और अभी जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद बैठक की गई उसमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। फिर हमारी बिजनेस पैसे रहेगी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से भारत चीन का विकल्प बन रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसरो ने किया अंतरिक्ष यान की लैंडिंग का खास तकनीक का परीक्षण, तो इसके महत्व के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाले समय में। फिर देखेंगे कि रूस और पश्चिमी देशों में छिड़ा ऊर्जा युद्ध, तो देखेंगे कि ऊर्जा युद्ध क्या होता है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। फिर देखेंगे हम कि जमीन के अंदर कि गर्भ की क्यों जरूरत है और आने वाले समय में इनकी महत्वता क्यों बढ़ती जा रही है। फिर हम देखेंगे दादाभाई नेहरू जी के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को। फिर हम एनजीटी के बारे में देखेंगे यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। फिर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देखेंगे, उसके बाद हम सागरमाला परियोजना को देखेंगे, फिर साउथर्न जोनल काउंसिल यानी दक्षिण क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे कि क्या है ये ग्रुप। फिर हम मैप का एनालिसिस करेंगे, फिर मेक्सिको के मैप को देखने की प्रयत्न करेंगे एक बार, और प्रवर्तन निदेशालय के बारे में देखेंगे कि किस कानूनों के तहत ये कार्रवाई कर, हम जो सागरमाला प्रोजेक्ट के उनके एक बार पोर्ट्स को देखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से, पेटीएम रेजर पे व कैश पे के ठिकानों पर छापे। तो ईडी ने कहीं ना कहीं जो ऐप के जरिए तुरंत लोन देने वाली चीनी कंपनियों के 17 करोड़ जब्त किए। तो ईडी ने शनिवार को कहा कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेटीएम रेजर पे और क्रैश पे ने कहीं ना कहीं छापे मारे गए, जिसमें कहीं ना कहीं जो ऋण देने में अनियमितताओं की जांच के तहत कहीं ना कहीं ये कार्यवाही शुरू की गई। ये तीनों पेमेंट गेटवे चीनी कंपनियों द्वारा अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे थे और लोन ऐप पर कहीं ना कहीं लोन देने की सुविधा प्रदान करते थे और चीनी कंपनियों ने विभिन्न पेमेंट गेटवे और बैंकों के जरिए आपराधिक गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। और इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं जो कर्ज को लेकर आत्महत्याएं भी बढ़ी थी, कहीं ने कंपनियों ने कहीं ना कहीं निजी निवरण सार्वजनिक करने की धमकी भी दी थी जिन्होंने इन कंपनियों से लोन लिया था। और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून यानी PMLA के तहत कहीं ना कहीं आपराधिक धारा के तहत जांच शुरू की है और इनकी कहीं ना कहीं ब्याज दर ऊंची थी। तो हम हमारा मेन फोकस जो एग्जाम परस्पेक्टिव से वो ईडी पर रखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय क्या है और किन कानूनों के तहत यह कार्यवाही कर सकती है। तो प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार। तो कहीं ना कहीं जो प्रवर्तन निदेशालय एक अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है। तो देखते हैं हम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति की अस्थायी रूप से संलग्न करने तथा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए
कहीं ना कहीं जो पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, ये एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित यानी इंटीग्रेटेड और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने, कानून का उल्लंघन करने वालों को कहीं ना कहीं न्याय निर्णित करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। फिर आता है तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यह कानून एक आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्ति को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु कहीं ना कहीं इसे अधिदेशित किया गया था। फिर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 फेरा, इसे तो निरसित कर दिया गया। तो ये चार महत्वपूर्ण कानून होते हैं किसकी, ईडी के तहत, जिन पर कार्यवाही करती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। एनजीटी ने ममता सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंगाल की ममता सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना राज्य में ठोस व तरल कचरे और उसके ट्रीटमेंट निपटारे में कुप्रबंधन के कारण कहीं ना कहीं जो पैदा हुए गंभीर अंतर को देखते हुए लगाया गया है। सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही थी। एनजीटी की पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थायी निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और जीवन के अधिकार का हिस्सा है और इसी के तहत कहीं ना कहीं जो बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य का पूर्ण दायित्व है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों को मुहैया कराया जाए। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से विफल रही थी और इसी को लेकर एनजीटी ने उस पर जुर्माना लगाया है। तो अब हम एनजीटी को देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून अधिकार के प्रवर्तन क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों, बहु अनुशासनिक मामलों सहित सुविधता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से कहीं ना कहीं सुसज्जित किया गया है। अधिकरण के समर्पित है अधिकारिता पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे। दूसरा है उच्च न्यायालय के मुकदमों को भार को कम करने में मदद करना और अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसेलबंदी से 6 माह के अंदर उसके निपटारे हेतु प्रयत्न के लिए अधिशासित है। अधिकरण की प्रधान बैठक नई दिल्ली में है। अब देखते हैं हम कि क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछे गए। तो कहीं के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कहीं ना कहीं जो 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार की गई थी, ये केवल पर्यावरण के न्याय निर्णय के उद्देश्य से विशेषज्ञता से सुसज्जित एक तरह से निकाय है। अधिकांश पर्यावरणीय मामलों में बहु अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल है। ये एक विशेष मंच में संबोधित किया गया है। ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग व भारत के अंतर्राष्ट्रीय उनकी सिफारिशों के अनुसार स्थापित कहीं ना कहीं पर्यावरण पर राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कानूनों के दायित्व के लिए कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी। ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं जो पर्यावरण से संबंधित मामले है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है या किसी कानून के प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, एक तरह से इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं और इससे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और क्षति के रूप में राहत देने की भी शक्ति इसको दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं जो
जोन कितने? 5 जोनों में से विभाजित किया गया, उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम में। और जिसकी प्रिंसिपल बेंच है वो नॉर्थ जोन यानी दिल्ली में बैठती है, जहाँ इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय भी स्थित है। तो सेंट्रल जोन की जो बेंच है, इसकी सेंट्रल जोन कहाँ पर बैठती है? भोपाल में। इसकी ईस्ट जोन बैठती है कोलकाता में, और साउथ जोन बैठती है चेन्नई में, और वेस्ट जोन बैठती है पुणे में। जिसको हेड हेड कौन करता है ट्रिब्यूनल को? तो एक चेयरपर्सन हेड करता है, जो कहने की जो प्रिंसिपल बेंच है उसके कहने के एक तरह से अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए राहत और मुआवजे की मांग कर रहा है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है इसमें कहीं ना कहीं जो अधिनियम 2010 के तहत अनुसूची में उल्लेखित विधानों में विषयों को शामिल करके कहीं ना कहीं अपनी अपील दायर कर सकता है। और इसमें जो शेड्यूल 1 में जो कानून रखे गए वो कौन कौन से? द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल और पॉपुलेशन पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इनके तहत कहीं ना कहीं जो इसको अधिकार दिए गए एनजीटी को, जो डिसीजन होते हैं किसके? एनजीटी के, वो एक तरह से बाध्यकारी होती है। और इसे भी कहीं ना कहीं जो सिविल कोर्ट की तरह जो सिविल जो न्यायिक जो शक्तियां इसे प्रदान की गई, यानी सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर 1908 के तहत कहीं ना कहीं इसे प्रदान की गई है। और इसके निर्णय को कहीं ना कहीं 90 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं समीक्षा का भी अधिकार है। और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं इसके निर्णय के खिलाफ कहीं ना कहीं याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको एनजीटी को देखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। अभी हम इसके अध्यक्ष को भी देखेंगे कि किस तरह से कार्य करती है और इसके क्या कार्य हैं और क्यों इसकी स्थापना की गई थी। जिसके अध्यक्ष है वर्तमान में प्रेजेंट चेयरपर्सन, तो कौन है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, तो ये इसके अध्यक्ष है। हिरन रिसाव के चलते नासा ने टाला मून रॉकेट का प्रक्षेपण। तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा को 5 दिन के भीतर दूसरी बार अपने नए मून यानी चंद्र रॉकेट का प्रक्षेपण टालना पड़ा। इस बार भी कारण ईंधन रिसाव ही रहा। परीक्षण की अंतिम तैयारी के जब रॉकेट में ईंधन भरा जा रहा था, तब रिसाव पकड़ में आया और चंद्रमा से मंगल तक के अपने आर्टिमिस कार्यक्रम के तहत नासा को पहले सोमवार को ही इस रॉकेट का प्रक्षेपण करना था। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से ये मिशन टालना पड़ा आर्टिमिस 1 करके। भारत से खाद्य आपूर्ति की मांग करेगी हसीना। तो 4 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो महंगाई की वजह से जो शेख हसीना सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती है और भारत सरकार पर कहीं ना कहीं बड़ा आसरा है। तो महंगाई की वजह से बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो वहां की पीएम सरकार को कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत से ज्यादा खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करें, तो कहीं ना कहीं इनको चुनौतियां देखते हुए कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव है बांग्लादेश में उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो पीएम है वहां की शेख हसीना, तो भारत से कहीं ना कहीं खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से चर्चा करेंगे कि किस तरह से खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाई जाए। महत्वपूर्ण देश की तरह कहीं ना कहीं जो भारत भी अपनी जो अतिरिक्त मदद किसको? बांग्लादेश को देगा। बांग्लादेश की कंपनियों के लिए जर्मनी के रास्ते कहीं ना कहीं जो जमीनी रास्ते से कहीं ना कहीं नेपाल व भूटान माल भेजने के लिए भी भारत से अनुमति की मांग की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के जो छोटे देशों तक अपने बाजार को कहीं ना कहीं विस्तारित करना चाहता है। जो पिता शेख मुजीबुर रहमान जो कहीं ना कहीं 1971 जो पूर्वी पाकिस्तान था, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की जो आजादी में कहीं ना कहीं जो मुजीबुर रहमान का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके मतलब शेख हसीना के पिता थे। गेहूं निर्यात रोक से बांग्लादेश ज्यादा परेशान। तो कहीं ना कहीं भारत ने कुछ समय पहले जो गेहूं निर्यात की रोक लगा दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में भी जो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो कीमतें उनको नियंत्रित करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी देश है वो प्रभावित होने लगे थे, जिससे वजह से बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही। और इन्हीं की चुनौतियों का सामना करने के लिए और इनसे निपटने के लिए भारत से कहीं ना कहीं जो गेहूं निर्यात बढ़ाने की भी कहीं ना कहीं मांग की गई है। भारत से गेहूं नहीं मिलने की वजह से हसीना सरकार को रूस व यूक्रेन से गेहूं आयात करना पड़ रहा है, जो काफी महंगा पड़ रहा है। क्रूड व खाने पीने की चीजों का आयात बढ़ने से कहीं ना कहीं वहां विदेशी मुद्रा भंडार भी कहीं ना कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं हसीना सरकार IMF
यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक से विदेशी ऋण हासिल करने की कोशिश भी कर रही है ताकि कहीं ना कहीं चुनौती से निपटा जा सके। तो हमें इस लिहाज से देखना है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से और भारत बांग्लादेश के संबंधों से, और यहाँ पे हमको देखना है कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं उनको मजबूत कर रहा है। तो हम देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते कि भारत उन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है जो ताकत संसाधन और आकार में भिन्न होते हैं, और जिनमें भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। भारत ने वास्तव में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत व स्थिर संबंध नहीं बनाए रखे, और 2014 के बाद कहीं की पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली और कहीं की अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का एक तरह से स्पष्ट इरादा रखा है। पड़ोसी प्रथम नीति में दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत का संबंध शामिल है, और इसलिए इस नीति को दक्षिण एशियाई विदेश नीति भी कहा जाता है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो पड़ोसी प्रथम नीति एक राजनयिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत को इन देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ सभी मौजूदा मतभेदों को सुलझाना होगा। इस नीति में दक्षिण और एशियाई देशों में चीन के प्रभाव को में भी कहीं ना कहीं कमी करना उद्देश्य है। एक तरह से इसकी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो भारत की बाहरी सीमाओं में अभी भी अन्य देशों के साथ सीमांकन के मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों के अलावा सीमा विवाद भी हुए हैं, तो कहीं कहीं इन्हीं को ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन उन क्षेत्रों पर कुछ दावे कर रहा है जिन पर सहमति बनाना संभव नहीं, तो कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाले यानी लद्दाख यूटी वाले क्षेत्र में, पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए निरंतर पोषण व ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुपक्षीय सम्मेलनों से इतर भारत पड़ोसी देशों से मिलता है, लेकिन इन देशों की अधिक यात्रा होना जरूरी है। लगातार दौरे पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को गति प्रदान करेंगे और विवादास्पद मुद्दों को हल करने में भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो क्यों जरूरत पड़ी, क्या होती है, तो इस तरह से हमें देखना है कि नेबरहुड कंट्रीज, तो कूटनीति का एक महत्वपूर्ण साधन यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे अन्य देशों के साथ साझा करना है। भारत ने सीमित संसाधन होने के बावजूद अन्य देशों को अपनी सहायता प्रदान की है। भारत ने कुछ परियोजनाएं शुरू की है जो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में सफलतापूर्वक चल रही है। इस योजना में फोकस के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण सड़कें आदि शामिल है, और इस प्रकार की योजनाओं ने पड़ोसी देशों में भारत के लिए सद्भावना पैदा की है, और इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत द्वारा ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जा रही है। तो इस तरह से हम इसका एक तरह से ओवरव्यू देखना है कि क्या होती है और किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधार कर रहा है। अब देखते हैं नदी जल बंटवारे का संयुक्त समाधान तलाशे दक्षिण के राजिशा। तो कहने के जो अभी हाल ही में जो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो दक्षिण की जो क्षेत्रीय काउंसिल है उनकी बैठक हो रही है, तो जिसमें कहने के दक्षिण राज्यों के अनुरोध किया गया है कि कहने के नदी जल बंटवारे का संयुक्त समाधान तलाश करे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करते हुए जो कहने के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी राज्यों को टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्यों से जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए संयुक्त समाधान निकालने की बात कही। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अमित शाह ने कहा कि संयुक्त समाधान निकालने के लिए आपसी जो समझ उसे बढ़ाए और उसका समाधान निकाले। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कहीं ना कहीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में शामिल हुए थे। तो तटीय राज्यों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना के साथ प्रमुख बंदरगाहों के अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। तो कहने के जो पीएम मोदी का दक्षिण भारत में खास लगाव है, शाहजी ने कहा और उसके बीच में ये बात कही उन्होंने, और इससे कहने के जो समुद्री सुरक्षा उसे भी बढ़ावा मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन से राज्य शामिल है, फिर हम देखेंगे सागरमाला परियोजना के बारे में और जो पोर्ट्स है उसके बारे में भी देखेंगे। हम देखते हैं साउथर्न
जोनल काउंसिल, तो साउथर्न जोनल काउंसिल के अंदर कौन है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप नॉट मेंबर ऑफ द जोनल काउंसिल, तो इसके सदस्य नहीं, लेकिन इन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाता है किसमें? साउथ जोनल काउंसिल में। तो ये कहने के प्रीलिम्स की परस्पेक्टिव से प्रश्न बन सकते हैं कि क्या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या साउथ जोनल काउंसिल के सदस्य हैं? तो नहीं है। कहने के जो स्टेट्स होता है, कहने के जो सिक्स जोन है, कहने के एक तरह से एडवाइसरी काउंसिल होती है, यानी परामर्श करती है, और कहने के जो संघवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। और किसके साथ की गई थी? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत इनकी स्थापना की गई। तो नॉर्थन जोनल काउंसिल, नॉर्थन ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल और वेस्टर्न जोनल काउंसिल। तो ये नॉर्थन, ये सेंट्रल, ये ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न काउंसिल, तो इसके कौन से राज्य इसमें शामिल है? अभी सेंट्रल काउंसिल की हाल ही में भोपाल में जब बैठक हुई थी, तो इसमें देखना है कि कौन से राज्य शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से राज्य इसमें शामिल है, कौन से राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह से हमको देखना है। तो अब हम सागरमाला परियोजना के बारे में देख लेते हैं कि सागरमाला परियोजना यानी सागरमाला प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीति और ग्राहक उन्मुख पहल है, जिसमें पोर्ट के नेतृत्व वाले को कहने के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा रही हैं। मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में रूपांतरित करने, सड़क, रेल, अंतरदेशीय और तटीय जल मार्गों के माध्यम से बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों, दूरदराज के इलाकों और कुशल निकास प्रणालियों के विकास को कहीं ना कहीं एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड करने की दिशा में दिख रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के ड्राइवर बन सकेंगे। ये कहीं ना इसके उद्देश्य एक तरह से। तो 2015 में कैबिनेट ने भारत के 12 बंदरगाहों और 1208 द्वीप समूह को विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी थी। तो कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 7500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट, 14500 किलोमीटर की संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देना, भारत तटीय क्षेत्र को तटीय आर्थिक क्षेत्र में विकसित करना, और 2016 में भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी को मंजूरी दे दी, जिससे कहने की जो पोर्ट डिमांड के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो प्रस्तावित बंदरगाह कौन से हैं? तो सागरमाला परियोजना में 6 मेगा पोर्ट को बनाने की मंजूरी दी गई है। पहला है सागरद्वीप जो पश्चिम बंगाल में, पारादीप बाहरी हार्बर ओडिशा, सिरकजी तमिलनाडु, इनायम तमिलनाडु, बेलिकेरी कर्नाटक, वदावन महाराष्ट्र, और डिटेल प्रोजेक्ट DPR यानी जो सागरद्वीप में बड़ा सागर बंदरगाह की स्थापना के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई, और DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने तैयारी की है। राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के ताजपुर में नए बंदरगाह, ताजपुर बंदरगाह के उद्घाटन के मद्देनजर व्यवहार्यता को फिर से जांच की जा रही है। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन से नए बंदरगाहों को जो प्रस्तावित किए गए और कहाँ अवस्थित थे। फिर देख लेते हैं कि सागरमाला के कार्यक्रम के अंतर्गत कहने के बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करना, नए बंदरगाह का विकास करना, बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, बंदरगाह से जुड़े औद्योगिकरण को कहीं ना एक तरह से बढ़ावा देना, तो ये सब इसके उद्देश्य रखे गए। तो परियोजना की थीम क्या रखी गई? तो बंदरगाह आधुनिकीकरण, परियोजना की संख्या दे रखी है, परियोजना की लागत दे रखी है, तो हमें केवल परियोजना की थीम पर ध्यान देना है। कनेक्टिविटी संवर्धन, पोर्ट लिंक औद्योगिकरण और तटीय सामुदायिक विकास, तो ये परियोजना की थीम रखी गई, तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो एक बार हम पोर्ट्स को देख लेते हैं कि गुजरात में कांडला और पोरबंदर, फिर मुंबई में महाराष्ट्र में चलते तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स, फिर गोवा में मार्मागोवा पोर्ट्स, फिर कर्नाटक में मंगलूर पोर्ट्स, केरला में कोची पोर्ट, तमिलनाडु में तुतिकोरन, चेन्नई और इन्नूर, ये तीनों पोर्ट्स किसमें आ गए? तमिलनाडु में। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट, जो कहीं ना कहीं इनको एक तरह से सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत कहीं का आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी और इन्हें विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने के लिए जो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उससे शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं अगली खबर पर। तो विवेकानंद ने दुनिया को दी मानवता की शिक्षा बिरला,
कहने के जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको में शनिवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी जी की मानवता की शिक्षा देश और काल की सीमा लांघने वाली है, ऐसा अध्यक्ष जी ने कहा है। लैटिन अमेरिका के देश में कहने के उन्होंने जो स्वामी जी की पहली प्रतिमा की कहने के जो अनावरण किया है, कहा है कि यो युवा वर्ग के लिए कहने के एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। और वहीं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की कहने के जो प्रतिमा का भी कहने का अनावरण किया था। दूसरा है तो अब हमें यहाँ किस लिहाज से देखना है कि जो मेक्सिको का कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र आया है, तो हमें मेक्सिको पर फोकस करना है कि मेक्सिको की अवस्थिति कहाँ है, किस देशों से इसकी सीमा लगती है। तो हम चलते हैं मेक्सिको के मैप, तो ये है मेक्सिको का मैप। तो ऊपर कहीं ना कहीं जिस यूनाइटेड स्टेट अमीरात से इसकी कहीं की सीमा लग रही है, फिर नीचे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है, फिर कहीं ना इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, और इधर कैरिबियन सी गल्फ ऑफ मेक्सिको आ गई, और इधर कहीं का पैसिफिक ओशन, और इसके पूर्व साइड में एक तरह से अटलांटिक ओशन आ गया, और पश्चिम में पैसिफिक ओशन आ गया है, और इसके बीच में एक तरह से सियारा माद्रे जो कहने का जो पर्वत श्रृंखला है वो होकर गुजर रही है, और बीच में सेंट्रल प्लेटू आ गया है। दूसरा मेक्सिको सिटी इसकी राजधानी हो गई, और रियो ग्रांडे नदी कहने की यूएसए और जो मेक्सिको के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये युकाटन पेनुसुला, जिस तरह से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि युकाटन पेनुसुला किस देश से संबंधित है, तो इस तरह से हमको इसके मैप को देखना है। अभी हम गूगल मैप में भी इसके मैप को देखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। जैसा हमें पता है कि हाल ही में जो पीएम मोदी जी ने कहने के जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत का कहने के जो जलावतरण भी किया, और कहने के उसको नौसेना में शामिल कर लिया गया, तो यहाँ एक आंकड़ा दिखाया गया है कि किसके पास कितने विमान वाहक युद्ध पोत है। तो रूस के पास एक है, फ्रांस के पास एक है, ब्रिटेन के पास दो, इटली के पास दो, चीन के पास दो, और भारत के पास दो, और अमेरिका के पास सर्वाधिक 11 है। तो भारत के पास जो दो है कौन कौन से, एक तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, और कौन सा तीसरा बनाने की कहीं ना कहीं शुरुआत चल रही है, तो कहीं ना कहीं आईएनएस विशाल पर काम चल रहा है। तो इस तरह से भारत के पास फिलहाल दो विमान वाहक युद्ध पोत मौजूद है। हिंद प्रशांत के व्यापार में चीन का विकल्प बनेगा भारत, तो कहने के जो वैश्विक जीडीपी में 40% हिस्सेदारी वाले देश अब सप्लाई चेन को लेकर कहने के जो साफ सुथरे व्यापार के लिए भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका ने कहने के जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो मंत्रिस्तरीय बैठक में कहने के सप्लाई चेन और भविष्य के आर्थिक फ्रेमवर्क के गठन को लेकर चर्चा होगी जो आने वाली जो बैठक है। कहने के जो सप्लाई चेन में जो व्यापारिक रूप से जो चीन के जो दबदबा है और जिस तरह चीन पर निर्भरता है उसको देखते हुए कहने के एक वैकल्पिक सप्लाई चेन पर भी कहने के जो आई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो गठन किया गया था उसी को उद्देश्य को देखकर कहने के जो आने वाले समय में इसकी बैठक में चर्चा की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की स्थापना से जुड़ी चर्चा में कहने के जो चीन प्लस वन यानी चीन के अलावा एक की बात की जाती है, यानी चीन को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता लेकिन विकल्प तैयार करने होंगे। उद्देश्य से जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को चीन को में कहीं ना कहीं चीन को शामिल नहीं किया गया है। वैश्विक व्यापार में जो आयात व निर्यात दोनों में कहीं ना कहीं जो चीन की हिस्सेदारी लगभग 12% से अधिक है, इसलिए चीन पर निर्भरता भी जारी रहेगी। लेकिन सभी देश निर्भरता को कम करने की मंशा से और खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ 13 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य हैं। ये सभी देश भारत में कहीं ना कहीं जो चीन के विकल्प बनाने की जो क्षमता देख रहे हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार समझौता किया है भारत ने। इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं जो चीन की मनमानी को भी रोकना कहीं ना कहीं एक तरह से इसका उद्देश्य है। भारत संघ एफटीए करना चाहते हैं विकसित देश, तो आईपीएफ यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य देशों के मंत्री अगले सप्ताह अमेरिका में 4 प्रमुख विषय व्यापार व डिजिटल व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की स्थापना को लेकर मुख्य रूप से कहने के चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत इंडो पैसिफिक में मुक्त और खुले रूप से आर्थिक सहभागिता के लिए तैयार है। जानकारों के मुताबिक कहीं ना कहीं जो भारत है वो खुले व निष्पक्ष व्यापारिक तौर तरीकों को देखते हुए ही विकसित देश कहीं ना कहीं भारत से मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। तो डिजिटल कारोबार में विकसित देशों को मात दे रहा है भारत, तो कहीं ना कहीं हाल ही में कहीं ना कहीं भारत
जो डिजिटल कारोबार में भी कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ोत हासिल किए हुए हैं। तो डिजिटल कारोबार की दुनिया में भारत विकसित देशों को मात दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 15 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा करके भारत ये जाहिर कर चुका है कि वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है भारत। स्वच्छ अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए भारत ने लगातार स्वच्छ ऊर्जा पर अपनी कहीं की निर्भरता बढ़ा दी है। कहीं के भारत सोलर जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा दे रहा है ताकि किस तरह से जो हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता उसे कम किया जा सके। तो अभी हम देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहने को जो मई 2022 में इसकी शुरुआत की थी। एक तरह से आर्थिक वाले कुल 14 भाग लेने वाले संस्थापक सदस्य देशों के साथ शुरू किया गया ढांचा है। फिजी की देर से प्रवेश के साथ ही कहीं ना कहीं शामिल होने वाला पहला दक्षिण प्रशांत द्वीप भी है। कहीं ना कहीं जो समझौते से प्रतिभागी को अर्थव्यवस्था तेजी से और निष्पक्ष की जाएगी। और दूसरा है कहीं ना कहीं जो विश्लेषकों ने इसकी तुलना ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से की है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 में कहीं उसने वापस ले लिया है। दूसरा इसमें टेरिक की एक समान कमी शामिल नहीं है। तो इसके चार जो विषय है निम्नलिखित कौन से है वो देख लेते हैं। तो फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इसके चार प्रमुख विषय हैं। अब इसमें कौन से देश शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। दूसरा इस पे रिएक्शन किसने दिए? तो कहने का जो चीन के विदेश मंत्री वांग यांग ने इस पहल की आलोचना की और कहा कि कहने का जो चीन से आर्थिक विघटन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और वांग जी ने तर्क दिया कि पहल समग्र रूप से अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति ने विभाजन पैदा किया और टकराव को कहीं ना कहीं उकसाया। तो ऐसा चीन का मानना है। इसमें अभी हम इसके मैप को देख लेते हैं। तो इंडिया और कहीं ना कहीं जो कुछ आशियन के देश भी शामिल है, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर से अमेरिका। कितनी कंट्रीज है? तो 14 है। इसका टाइप कौन सा है? तो कहीं ना कहीं तरह इकोनॉमिक इंसेंटिव है। कब स्टेब्लिश किया गया? तो 22 मई 2022 को इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो ये यहाँ इंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के शुभारंभ पर कहीं ना कहीं शिखर स्तर की जो बैठक हुई थी उसमें दिखाया गया जो 23 मई 2022 को ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब हम एक बार हम कहने का जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है और जो रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो इनके बीच में कहने का एक तरह से जो सीमा शुल्क में कमी करना है। तो कहने का जो RCEP का भारत सदस्य नहीं है। दूसरा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप देख लेते जो 2017 में अमेरिका ने वापस ले लिया था। कहने की जिसमें आशियान के मेंबर्स चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। किसमें? RCEP में। और ये कहने का जो आशियान के देश है कितने 10 सदस्यों को दिखाया हुआ है। और ये TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसमें कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका से मेक्सिको, USA और कनाडा तीनों शामिल हो गए। इधर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर से चिली और कहीं ना कहीं एक तरह से जो पेरू है शामिल है। इधर से कहीं ना कुछ आशियान के मेंबर्स हैं जिससे वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर। तो कहीं ना कहीं ये देश कुछ ऐसे देश है जो आशियान में भी मतलब RCEP में भी शामिल है और कहीं ना कहीं दूसरा जो RCEP के अलावा TTP में भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देश है जो दोनों ग्रुपों में शामिल है जैसे न्यूजीलैंड को दिखाया हुआ है, माफ कीजिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो दोनों में शामिल है। तो इस तरह से हमको देखना है कि इसके सदस्य कौन है क्योंकि प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण होता है कि कौन देश इसमें शामिल है नहीं है। तो इस तरह से हमको देखना है क्योंकि RCEP में भारत शामिल नहीं है और कहीं ना कहीं जो TTP है उसमें भी भारत शामिल नहीं था। अब चलते हैं हम आगे। इसरो ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग की खास तकनीक का परीक्षण किया। तो कहीं जो इसरो ने अंतरिक्ष यान की सुरक्षित लैंडिंग की तकनीक का सफल परीक्षण किया है। जो इस तकनीक का नाम क्या है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर कहीं कहीं IAD नामक इस तकनीक की मदद से भविष्य में मंगल व अन्य ग्रह पर यान की सुरक्षित लैंडिंग कराना संभव होगा। और इस तकनीक को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने विकसित किया है। त्रुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से कहने की जो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट से इसका परीक्षण किया गया है। अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह पर लैंड कराना एक जटिल प्रक्रिया है।
जिससे कहीं ना कहीं संबंधित ग्रह के वातावरण से लेकर अन्य सभी परिस्थितियों के अनुरूप यान को अपनी गति व ऊंचाई को नियंत्रित करते हुए लैंड कराना होता है। चंद्रयान 2 का लैंडर आखिरी क्षणों में क्रैश हो गया था, तो अब इस इसरो ने इस दिशा में उन्नत तकनीक का परीक्षण किया है और कहीं ना कहीं जो IAD में लैंडिंग के लिए भेजे गए पेलोड की गति को आवश्यकता अनुसार कम करने की क्षमता है। इस तकनीक की पहल से कहीं ना कहीं पहले से तय रास्ते पर कहीं ना कहीं चलते हुए यान वहां की परिस्थिति वो घर्षण के अनुरूप अपनी गति को कम या ज्यादा कर सकता है भविष्य में। अब इसका महत्व क्या है, तो इससे कहने की जो भविष्य में मंगल व अन्य ग्रहों पर लैंडर भेजने का रास्ता खुलेगा। दूसरा है कि भविष्य में अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के अभियान में भी इसकी तकनीक की कहने की मदद ली जा सकेगी। दूसरा है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का कहने की का प्रयोग नई तकनीकों के परीक्षण में एक तरह से मददगार साबित होगा। तो अभी हम मैप में देखेंगे कि जो तुम्बा इक्वेटोरियल और विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ अवस्थित है। रूस और पश्चिमी देशों में छिड़ा ऊर्जा युद्ध, तो रूस और पश्चिमी देशों में कहने के जो बीच है ऊर्जा युद्ध छिड़ गया है, जिससे कहने के जो गैस की आपूर्ति रोक दी। किसने? रूस ने। कहने के जो पश्चिम के देश है वो कहने के जो तेल का कम खरीद मूल्य तय करने का कहने के एक तरह से संकल्प लिया है। तो कहने के भारत सहित जो दुनिया के दूसरे देशों की कहने के एक तरह से मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कहने के जो रूस है वो अपनी गैस की आपूर्ति कम कर रहा है और जो ये दूसरे देश है यानी पश्चिमी देश एक तरह से कहने के उस पर कम कीमत करने का दबाव डाल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा युद्ध है उससे दूसरे देश भी कहने के प्रभावित होंगे, क्योंकि कहने के उसकी जो रूस चाहेगा कि वो कीमत बढ़ाई जाए और कीमत बढ़ाने से दूसरे देशों की कहने की इकोनॉमी प्रभावित होगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का कहने के रूस ने पलटवार करते हुए कहने के यूरोप की गैस आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे कहने कहीं जो वहां पर कहीं के एक तरह से जो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, जिससे वहां के जो लोग हैं। और दूसरा है कि यूरोप और अमेरिका में कहीं कहीं मंदी के आसार भी लगने लगे हैं। रूस ने गैस आपूर्ति करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन की खामी को दूर करने में कहीं कहीं जर्मनी कंपनी सीमेंस को असहयोग के कारण कहीं कहीं एक तरह से बाधित किए, तो ऐसा उसका आरोप लगाना। और जो सीमेंस कंपनी यानी जो रूस की कंपनी गैस फेम को उससे कोई बात नहीं हुई, ऐसा कहना है किसका? सीमेंस का। जो सीमेंस कौन है? जो कहने की जर्मन की जो ये कंपनी है उसका कहना है कि उसकी गैस फ्रेम से कोई बातचीत नहीं है, यानी एक तरह से कहने की एक दूसरे पर जो रूस और जो यूरोप है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे था कि एक दूसरे को कहने की एक तरह से काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे से, कि कहने की जो और पाइपलाइन की जो कहने की जो तकनीकी कार्य करने में कहने की जो ये जर्मनी कंपनी कौन सी सीस फ्रेम जो सीमेंस है उसको कहने के काम सौंपा गया था। तो कहने के मेन उद्देश्य यही है कि कहने की जो रूस है जो पश्चिमी देशों से कहने के एक तरह से दबाव बनाना चाह रहा है कि जो उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। और इसी पे कहने का जो रूस यूक्रेन युद्ध भी छिड़ा हुआ है। कहने का जो यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जो जापोरिजिया पे कहने का जो परमाणु हादसे हो रहे हैं उसी को देखते हुए कहने का जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो अध्यक्ष है राफाल ग्रोसी ने कहने के संयंत्र का दौरा किया है और अपने कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि वहां की जो सुरक्षा स्थिति वो क्या है। तो इस तरह से हमको देखना है इस खबर को कि इन दोनों के बीच में जो रूस और पश्चिम देशों की जो ऊर्जा युद्ध हो रहा है उसका भारत को किस तरह से यह प्रभावित कर सकते हैं। अब ये है इथिक्स से संबंधित है हमारे एक तरह से मान सकते हैं हम इथिक्स के कि किस तरह से कि जो स्पर्श शाह है कहीं ना कहीं जो उनके इतने मतलब 135 फ्रैक्चर होने के बाद भी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो लोगों को एक तरह से मोटिवेशन इस पे अपने ज्ञान विद्या के तहत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो किस तरह से उनकी इच्छा शक्ति यानी कितने दृढ़ है एक तरह से कि नहीं किसी भी परेशानी के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपनी जो समस्या है उसको दरकिनार कर कर कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने जो लोगों के बीच में एक जीने की उम्मीद लगाई है कि हम हर चीज को लेकर नानुकुर करते रहते हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए और इनके कहने के हम एथिक्स के पेपर में एक तरह से कोट कर सकते हैं इनकी चीजों को। दूसरा है इंदौर के दृष्टिबाधित इंजीनियर यश को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 47 लाख का पैकेज। तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती है सबके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन इंजीनियर ने एक तरह से लोगों के सामने एक तरह से प्रेरणा का कहने के उदाहरण प्रस्तुत किया है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन आपका अगर दृढ़ संकल्प है तो समस्या से आप कहीं ना कहीं एक तरह से निराकरण कर सकते हैं और समस्या से जूझने की बजाय उसके समाधान पर फोकस किया है इन्होंने। तो कहने के जो 8 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो चुके इंदौर के यश सोनकिया ने कहने के ऐसी कोडिंग की कि
माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटरव्यू में बैठे बोर्ड के विशेषज्ञों ने कहीं इन्होंने अचंभित कर दिया, और कहीं ना कहीं इन्हें 47 लाख का पैकेज दिया गया, और कहीं ना कहीं इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कहीं ना कहीं एक तरह से नौकरी प्राप्त कर ली। तो अब हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो हमें इस तरह से इनकी कहानियों से एक तरह से सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं समस्या सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके जो सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारत में जमीन के नीचे बसेगा घर, तो कहीं ना कहीं जो शहरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भविष्य में मेट्रो ट्रेन की दर पर ही भारत में कहीं ना कहीं भूमि का शहर व मार्केट बसाने की तैयारी है। सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं के सैनिकों के लिए इसी तरह भूमिगत व्यवस्था बनाने की भी कहीं ना कहीं एक तरह से संभावना है। तो अब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा हमें पता है कि सुरक्षा के लिए भी अहम होते हैं, भविष्य की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं उनके आवास की सुविधा करना, और कहीं ना कहीं जो हमारे सीमा पर जो सुरक्षा बल है और जो गाँव बसे हुए सीमा पर, तो उनकी सेफ्टी किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं जो जमीन के अंदर जो घर है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे जो परिवहन है, रक्षा है, तो टनल के अंदर ही कहीं ना कहीं एक तरह से जो औद्योग मतलब घर निर्माण किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो टनलिंग और जो भूमिगत अंतरिक्ष की तरह ही कहीं ना कहीं जो भारत भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भूमिगत जो घर है जो बिल्डिंग्स है उनका निर्माण करेगा, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो समानांतर शहर होंगे, यानी जिस तरह से अभी जमीन के ऊपर जो शहर होते उसी तरह के शहर कहीं ना कहीं जमीन के अंदर बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि विकसित किया जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में एक तरह से हम जो जनसंख्या उसको भी एक तरह से नियंत्रित कर पाएंगे, और दूसरा है उनकी आवश्यकताओं पर भी फोकस कर पाएंगे, दूसरा है सीमाओं पर जो भूमिगत सुरंगों और आवासीय और सामरिक ठिकानों बना कर कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा को एक तरह से मजबूती प्रदान की जा सकती है, और जो टनलिंग उद्योग में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि कहीं ना कहीं चीन ने भी एक तरह से भूमिगत शहर में रोलर कोस्टर भी है, अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं एक तरह से घर बनाए हुए हैं ये, इस तरह से जिससे कहीं ना कहीं हवाई हमलों और परमाणु हमलों से बचा जा सके। तो इस तरह से इन्होंने ठिकाने विकसित किए हैं। जर्मनी ने कहीं ना कहीं जो 1945 में हवाई हमलों के दौरान कहीं ना कहीं बर्लिन शहर में भी एक तरह से जमीगत जो भूमिगत अंदर कहीं ना कहीं घर बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बना रखे हैं, ट्यूनिशिया ने भी इस तरह का कुछ उदाहरण दिए हैं, तुर्की ने भी। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है एक तरह से। अब चलते हैं हम मैप को देखेंगे एक बार, तो अब चलते हैं हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर, तो ये केरल आ गया एक तरह से, केरल राज्य। अब केरल राज्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कहने गई इधर अरब सागर की तरफ अवस्थित हो गया, यानी किस साइड आ गया, तो पश्चिम की साइड अवस्थित है ये। ये तट के किनारे अवस्थित है ये विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। और जो तुम्बा है वो इसी के आसपास अवस्थित है, ये साउथ तुम्बा जंक्शन, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये रहा तुम्बा, यहां से कहीं ना कहीं अभी जो अंतरिक्षयान जो लैंडर है उसका सफल परीक्षण किया गया, ये तुम्बा बीच। एक बार हम तुम्बा को ये तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ये भी करेंगे केरला में ही अवस्थित है। और ये अगस्त मलाई, यही कहीं ना कहीं जो नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स सारी कहीं ना कहीं यही अवस्थित है, जो कहीं ना केरला और तमिलनाडु के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से सीमा बनाती है। तो हमें इन दोनों की लोकेशन ध्यान रखनी है कि कहाँ अवस्थित है। इधर लक्षद्वीप आ गया है नीचे साइड, कहीं ना कहीं
इंडियन ओशन आ गया, इधर श्रीलंका है, वो किन राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, कौन से तट पर अवस्थित है, तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।